पाकिस्तान। पाकिस्तान के अजीम पासपोर्ट की तज़ीम के लिए, पाकिस्तान के कौमी तराने की दुनिया के हर कोने में तकरीम के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने हिस्से की शमा जलाइए। सरेआम टीम का हिस्सा बनने के लिए अपने राइट ऑप्शन में जाके एस ए लिखिए, स्पेस दीजिए, नाम, शहर और उम्र लिखने के बाद नीचे ये 16 डिजिट का रेफरल कोड लिखिए और सेंड कर दीजिए 8068 पर। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सरेआम.org सर्च करें और फॉर्म फिलिंग के बाद नीचे ये रेफरल कोड लिखें। अस्सलामुअलैकुम। आज काफ़ी ज़्यादा धुंध देख रहे हैं आप पीछे, और मैं इस धुंध में कहाँ पर जा रहा हूँ? मैं इस धुंध में जा रहा हूँ एक कॉलेज में, सरेआम टीम का पैगाम पंचायत। अभी हम लोग सुबह निकले, अब देखते कितनी ज़्यादा धुंध है। इस धुंध में निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने किया क्योंकि हम लोग सरेआम से प्यार करते हैं, इकरार भाई से प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग निकले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम आप सब दोस्तों को, और जो लोग मुझे वीडियो की सूरत में देख रहे हैं आप सबको भी अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप सबको सरेआम टीम का हिस्सा बनाया जा सके। आप सबको दावत देने आया हूँ सरेआम टीम की तरफ से कि आप सब लोग भी सरेआम टीम की में रजिस्टर हों और सरेआम टीम के साथ जो है वो एंटर होकर कुछ कर सकें। अगर कोई मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको मौका नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं यार हमको मौका नहीं मिलता, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं शायद हम लोग सियासत में आएंगे तो फिर ही हमको मौका मिलेगा मुल्क में आने का। बस कहते हैं कि जब हम सीट पकड़ेंगे तो फिर ही मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरेआम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया आप सब लोगों को। आप सब जो बैठे हैं और जो लोग बाहर बैठ के जो वीडियो की शुरू में मुझे देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करें, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सरेआम की टीम के अंदर एंटर हो और सरेआम की टीम का हिस्सा बन के पाकिस्तान के लिए कुछ करें, ठीक है। हमको कोई बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, हमको बिल्कुल छोटे छोटे काम करने हैं, ठीक है। रिसेंटली अभी फेसबुक पर वीडियोज भी अपलोड हुई थी, एक तो मैं देख रहा था कि कुछ सरेआम के जो लोग थे वो कुछ मास्क मिलते हैं छोटे छोटे 10-10 रुपए के, ठीक है। आजकल धुंध वगैरह काफ़ी ज़्यादा है तो वो धुंध में मास्क बांट रहे थे सुबह उठ के लोगों को, ताकि लोगों को जो है सांस की जो प्रॉब्लम चल रही है वो, आजकल आपने सुना होगा सांस की काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं उससे। वो बिल्कुल एक छोटा सा काम है, ठीक है। अब ये काम काफ़ी ज़्यादा लोग भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने सोचा हम लोग करें, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं? आपके जहन में कोई चीज़ है, माइंड है, छोटा सा कोई काम है? आप सब 10-15 लड़के निकले, आपके तो यूनिवर्स है, सब कुछ है, साथ है, आप लोग सब साथ हैं। आप लोग सब साथ भी नहीं कर सकते हैं? किसी ट्रैफिक सिग्नल पे चले जाया करें, ठीक है, 10-15 मिनट टाइम निकाल के जहाँ पे रश है आप वहाँ से रश हटा दिया करें, ठीक है। इस सरेआम की टीम के हिस्सा जो है बनने का तरीका क्या है वो सब कुछ भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे लाजमी, वो भी आपके क्वेश्चन सुने जाएंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन का कोशिश करूँगा आंसर करूँ। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर बैठ के आप सबकी रजिस्ट्रेशन करूँगा और आप सबको पाकिस्तान का हिस्सा बनाऊँगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग पूरा साथ देंगे इसमें और आप सब लोग भी सरेआम टीम का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। और देखिए, जो सरेआम टीम ने फैसला किया है कि जो सरेआम टीम में आता है उसे गिफ्ट के तौर पर एक शर्ट दी जाएगी और एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। वो कार्ड आपकी पहचान होगी सरेआम को। कार्ड को आपने इसलिए नहीं यूज़ करना कि मैं थाने की चारी के लिए यूज़ करूँगा या फिर किसी ट्रैफिक सिग्नल के लिए यूज़ करूँगा। आपने वो यूज़ करना है अपनी पहचान के लिए, वो आपकी पहचान है। सरेआम की टी शर्ट आपकी पहचान है, सरेआम का कार्ड आपकी पहचान होगी कि आप सरेआम में हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं। ये ना हो आपने टी शर्ट पहनी हो तो आप खुद जो है सिग्नल तोड़ के जा रहे हो, ठीक है। इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपने सरेआम ने अब जो है ना, मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे कर रहा हूँ कि सरेआम ने ये स्टार्ट क्यों किया था। बहुत आगे ये भाई भी पूछ रहे थे मकसद क्या है, स्टार्ट क्यों किया। तो जब हमारा कोई बंदा पासपोर्ट लेके जा रहा था ना आउट ऑफ कंट्री, काफ़ी सारा आपने सुना भी होगा, लोग हमें दहशतगर्द समझते हैं। इतनी सी भी औकात नहीं है हमारे पासपोर्ट की, ठीक है। पाकिस्तान के अजीम पासपोर्ट की तज़ीम के लिए, पाकिस्तान के कौमी तराने की दुनिया के हर कोने में तकरीम के लिए, पाकिस्तान के सबज़ हलाली परचम की दुनिया में हर कोने में पहचान के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी की दुनिया के हर कोने में आन बान और शान के लिए ये जो है स्टार्ट की गई है। ये मुहिम एक जद्दोजहद, ऐसी जद्दोजहद है जो कि बिल्कुल एक गैर कारोबारी है, ठीक है, गैर सियासी है और गैर जानबदारी है। इसमें हर तफसील आपके सामने सरेआम होगी। इकरार भाई लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे सियालकोट में, तो इकरार भाई ये कह रहे थे कि आपके जो अकाउंट्स होंगे ना, मैं सबको रजिस्ट्रेशन करूँगा, जब आपके अकाउंट्स होंगे ना उसमें कुछ दिन बाद कुछ चीज़ें अपडेट होंगी कि इकरार भाई के पिछले सालों में कितनी सैलरी थी, ठीक है, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, अब कितनी सैलरी है, ताकि कल को ये ना हो कि इकरार भाई कुछ पैसे खा गए या फिर हम लोग कुछ जो है करप्शन करें। इसलिए इकरार भाई ने ये भी फैसला किया है कि जब से उन्होंने करियर स्टार्ट किया है, जब से तब से लेके अब तक उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं, उनके पास कितनी गाड़ियाँ, कितने बंगले, सब कुछ आपको वो सरेआम करने के लिए तैयार है। तो हम लोग क्यों ना करें फिर पाकिस्तान की खिदमत? जब एक बंदा, इतना बड़ा बंदा जो है वो सरेआम हर चीज़ अपनी करने के लिए तैयार है, तो हम लोग क्यों ना करें?
तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग भी मेरे साथ जरूर साथ देंगे इसमें, और आप सब लोग भी आज सरयम का टीम का हिस्सा जरूर बनेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे जो है डेली बेस पे यहाँ पे दिए जाएं। आज कुछ लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, फिर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, परसों बुध है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके साथ जो है बुध वाले दिन ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, तकरीबन 12-1 बजे तक मैं कोशिश करूंगा कि बाहर कोई टेबल लगा लिया जाए, ठीक है, बाहर कोई टेबल लगा के तो और भी क्लासेस में जाया जाए बुध वाले दिन, सबको बताया जाए, आप सब मिल के मेरे साथ पूरे कॉलेज का विजिट करें, पूरे कॉलेज में हर क्लास में हम लोग जाके तो इस तरह ही सेटअप लगा के सरेआम टीम का जो है पैगाम बन जाएंगे हर बंदे तक। हम पूरे कॉलेज को दावत देंगे, आप सब भी सरेआम टीम का हिस्सा बनिए ताकि पाकिस्तान के लिए हम लोग कुछ कर सकें, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। आप अगर पूरे पाकिस्तान के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अपने सिटी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली के लिए हम जो है उसको बेहतर से बेहतरीन बना सकें। लेकिन उससे पहले हमको एक और छोटा सा काम करना होगा, उससे पहले हम सबको खुद को बेहतर बनाना होगा। जो सबसे छोटा सा काम है ना, अभी हमको सबसे पहले जो है ना खुद को बेहतर बनाना होगा। हमको एक बंदा गलती करता है, फर्ज करें वहाँ से पानी लेके आ रहा बंदा, तो उससे जो है वो गिर जाता है, वो चीज़ आगे गया, वो गिर गया, तो आप सब लोग उस तरफ देखते हैं और उसको जो है हकारत भरी निगाह से देखते हैं कि यार ये क्या इसने कर दिया। तो कभी आपने सोचा कि आप अगर उसकी जगह पे होते तो वही चीज़ आपके पाँव में भी लग सकती थी, और आपके हाथ से भी जो है पानी का गिलास गिर जाता, और आप भी जो है आपको भी सब उसी नज़र से देखते। इसलिए आपने एक सेकंड के लिए सिर्फ जो है उसकी जगह पर होके देख रहे हैं कि वो बंदा अगर हम होते उसकी जगह पर तो हमसे ही हो सकता था। यही चीज़ें अपने आपको तब्दील करने के लिए, अपने आप में जो है तब्दीलियाँ लाने के लिए, अपने मोहब्बत का पैगाम लाने, कुछ चीज़ों को सबको हम सब ने मिलकर कंट्रोल करना है, ठीक है। अभी स्टार्ट से हमने छोटे छोटे काम करने, जैसे कि अभी मास्क वाली मैंने आपको जो है वो वीडियो देख एग्जांपल दी है, और एक और भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, किसी इशारे पे खड़े हो जाए वार्डन के साथ बात कर लें 10 लड़के, मुझे पूरी उम्मीद है आप 2 घंटे खड़े होने का पूरे दिन की ट्रैफिक वहाँ पर सही रहेगी। छुट्टी टाइम के 2 घंटे वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है इस चौक में, ये ड्रमा वाले चौक में पीछे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, सिर्फ 2 घंटे आप दे लें, मैं गारंटी देता हूँ शाम तक वहाँ पर ट्रैफिक नहीं रुक सकती। वही टाइम होता है ट्रैफिक का, वही 2 से 3 जो जब छुट्टी होती है लोगों को, ठीक है, वही टाइम होता है ट्रैफिक का। तो आप सब अगर चले जाएं 10 बंदे इस सिग्नल पे, 10 बंदे उस सिग्नल पे, मैं गारंटी देता हूँ शाम तक जो है ट्रैफिक जो है कहीं ब्लॉक नहीं पूरे सिटी में। या फिर किसी दिन आप सब लोग मिल के टीम जो हमारी जो जब टीम बड़ी हो जाएगी सियालकोट की, हम सब मिल के एक टीम बनाएं कि सियालकोट में, पूरे सियालकोट में आज किसी भी जो है कॉर्नर पर ट्रैफिक नहीं रुकनी चाहिए, तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं, बिल्कुल हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने हिस्से की शमा जलाइए। सरेआम टीम का हिस्सा बनने के लिए अपने राइट ऑप्शन में जाके SA लिखिए, स्पेस दीजिए, नाम, शहर और उम्र लिखने के बाद नीचे ये 16 डिजिट का रेफरल कोड लिखिए और सेंड कर दीजिए 8068 पर। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सरेआम.org सर्च करें और फॉर्म फिल के बाद मैं कहूँगा मेरे चैनल पर जाइएगा और इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने बंदे आ जाए उतने ही कम है, ठीक है। इसको शेयरिंग, इतनी ज़्यादा शेयरिंग करें कि ये हर बंदे, पाकिस्तान के हर बंदे तक पहुँच। लास्ट में एक नारा होगा, गूंजना एक आवाज होगी पूरा सही। हाँ जी, टेक्निकल लेली, अभी मैं आपको बता दूंगा चैनल का नाम टेक्निकल लेली, एक नारा लगाना है और आवाज सही होनी चाहिए, मजा आ जाए एक दफा पूरा काले सुन ले। पाकिस्तान, पाकिस्तान, क्या बात, वेरी गुड, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।